Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Ria B's Kitchen. We are going to make bagel sandwiches. These are New York special, but I'm going to make these for New Jersey special. I'm going to dedicate these bagels, this recipe to Boomerang Bagels walon ko. Hopefully, they will like it or they will comment on my recipe. तो स्टार्ट करते हैं. वैसे तो इसके बहुत से मेथड्स हैं, बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन इसका सिंपल वे है कि आप इसको ट्यूना के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं. अभी मैं राइट नाउ इसको चिकन के साथ बनाने लगी हूँ. चिकन को मैंने बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है. ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच बेगल्स यू आर गोइंग टू मेक. आई एम गोइंग टू मेक ओनली 2 or 3. सो मैंने आलमोस्ट 200 ग्राम्स चिकन लिया है, उसको बॉयल किया है साल्ट ऐड करके और इस तरह से उसको मैश कर लिया है. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज. इसमें ऐड कर देंगे मेयोनीज. ये आप ऐड करें 3 to 4 टेबल स्पून ऐड कर दें. इतना सा ये कि क्रीमी सा पेस्ट बन जाए. इस तरह से इसके साथ बेगल्स ले लेते हैं और इनको साथ टोस्टर में हॉट कर लेते हैं. ये थिन वन है, आप दूसरे भी ले सकते हैं, थिक वन भी. इस तरह से इनको हम करते हैं हॉट. इसमें साथ ऐड कर दें ब्लैक पेपर. सॉल्ट तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, उसकी ज़रूरत नहीं है. ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, आप जितनी खाना चाहते हैं, जितनी लाइक करते हैं. आई एम गोइंग टू ऐड ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून. इस तरह से अब इनको मिक्स कर लें अच्छा सा. ये मैंने अच्छे से क्रंची से कर लिए हैं. इस तरह से अब इनको निकाल लेते हैं बाहर. अब इसके ऊपर लगाते हैं सॉफ्ट चीज़, क्रीम चीज़ या सॉफ्ट चीज़. बेगल्स सैंडविचेस को आप बहुत सी वैरायटी के साथ बना सकते हैं. अगर आप चिकन ऐड नहीं करना चाहते तो आप ट्यूना ऐड कर सकते हैं सेम रेसिपी के साथ. लाइक मेयोनीज ऐड करें और ब्लैक पेपर ऐड करके उसको ऐड कर लें. अगर आप वो भी ऐड नहीं करना चाहते तो इसको आप लेटस, क्यूकम्बर एंड टोमेटो एंड चीज़ फिलेट के साथ आप हाफ फ्राई एग ले लें और उसके साथ भी सैंडविच बना सकते हैं और उसको मॉर्निंग में भी, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं. लेकिन अभी मैं दोनों चीज़ों को मिक्स यूज़ करने लगी हूँ, थोड़ा बिग सा बनाती हूँ. इस तरह से मैं रखूँगी लेटस इसके ऊपर. इस तरह से अब इसके ऊपर लगाते हैं ये जो हमने चिकन का बनाया था पेस्ट, वो ऐड करते हैं इस तरह से और इनको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं. इसे स्प्रेड कर दिया है, मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर और स्प्रिंकल करूंगी इस तरह से. अब इसमें ऐड करते हैं टोमेटोस और उसके साथ ऐड करते हैं क्यूकम्बर्स, थिन स्लाइस्ड क्यूकम्बर. ये हो गया इस तरह से. अब अप टू यू है, आप इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं या नहीं. लेट्स ऐड इट और अब इसको करते हैं. हमारे मज़ेदार से वेरी यम्मी लग रहे हैं ये देखने में. बेगल सैंडविचेस रेडी हैं. होपफुली आपको ये मेरी क्विक सी रेसिपी पसंद आई होगी. मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ. अल्लाह हाफिज़.